आज एक अपने भाई को खो दिया मैंने, राजू श्रीवास्तव जी को। सोचे नहीं थे कि इतने कम उम्र में चले जाएंगे। स्ट्रगल साथ किया हम लोगों ने, मुंबई शहर पहले बंबई हुआ करता था तब का साथ रहा 30 साल, साथ में मकान खरीदा, हम लोगों के जीवन का स्ट्रगल साथ शुरू हुई थी और आगे हम लोग बढ़ते भी गए साथ। बिटिया से उनकी पिछले हफ्ते बात हुई थी कि कहा पापा वेंटिलेटर से ठीक होंगे और आंख खोल दी है, लेकिन ईश्वर की ना शराब ना सिगरेट कुछ नहीं पीते थे, हेल्थ फ्रीक थे, ईश्वर की क्या मंशा कुछ पता नहीं है। जो एक खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक 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 सम्मान दिलवाया, उनकी कमाई का जरिया बने, इंटरनेशनल ब्रांड थे राजू श्रीवास्तव जी। आज उनका जाना सबसे बड़ी क्षति उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया, उनके बच्चों को है। बिकॉज एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे मित्र थे, और हमेशा हंसाना उन्होंने हंसाते रहे, वही यादें रही। जब पार्टी में भी आए तो बीजेपी में साथ रहे, तो उन्होंने वहां पर फिल्म उद्योग में आए फिल्म बंधु को अच्छे से संभाला। आज काफी फिल्मों की शूटिंग होती रही, पिछले 2 महीने पहले हम लोग साथ में थे एक मंच काशी में जहां सब्सिडी दी जा रही थी, 2-3 दिन साथ रहा, हंसते रहा, कभी देख के उनको लगा नहीं था, और अचानक आज ये खबर आई है। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें, और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। राजू श्रीवास्तव भाई वैसे तो कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ साथियों। राजू भाई से हमारा संबंध